झुनझुनवाला नाटक कंपनी का नया नाटक करोड़ों की भेलपुरी 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। पम्मी काचा बादाम पे ठुमका मारेगी क्या? वो अनारकली नहीं है और तू खुद को मुगले आजम मत समझ, फरमाइशें मत फेंक। तो 2 ठुमके तू ही छिड़क दे चलेगा? वो चमाट खींच के छिड़को, टिकट खरीदा है हमें नहीं। 2 कौड़ी का आदमी तेरे को कौन खरीदेगा? दमदार इंस्पेक्टर सिंघम वंशी, जिसके डायलॉग पे लोग चिल्लर फेंकने लगते हैं, वो मंच पे आने वाले हैं। बजाओ ताली, अभी लाता हूँ। पुलिस की छोकरी में बड़ी ताकत होती है। छोकरी नहीं, नौकरी। पुलिस की टोकरी में नौकरी। वापस बोल। बकरी नहीं, नहीं चक्री, सॉरी नौकरी। अरे एमपी का रिश्तेदार इसलिए तेरे को रोल दिया? लोग एक कड़क ठुल्ले के इंतजार में है और तू यहाँ नर्म पाव बना बैठा है। अभी कड़क चीज दिखाता हूँ। तेरी तरह ढीली है, पैंट टाइट कर, लूज एक्टर। नहीं चलेगा, कहीं से कोई पावरफुल कलाकार सामने आ जाए यार। सुन विदर जी, जिन कपड़ों को डिजाइनर बोल के बेचता है उनको ना सूखते हुए मैं चुराती हूँ, पूरा पैसा भेज। चल, तुझे साड़ी का फॉल चिपकाने बोला, खुद आके चिपकने को नहीं बोला, निकल यहाँ से। बीबी जी, झुनझुन वाला सेट किधर है? जहाँ भी होगा रात को मेरे पास ही चाहेगा। क्यों आऊंगा वो बता, क्योंकि तू मेरी बावर्ची है, रसोई और स्टेज दोनों की हीरोइन। ये झुनझुन वाला मम्मी, तेरे हाथ का खाना मैं क्या ये भी खाएंगे, तो रोज तेरे पास आएंगे। मस्का मत मार, पता है मेरा खाना उंगलियां चाट के खाता है। कैसे चाटता हूँ ये क्यों बताया? हाँ तुम लोग कौन हो? सेठ जी, आपका करोड़ों की भेलपुरी नाटक एकदम हिट तो है, मगर इसमें सिंघा मौशी नाम का जो कैरेक्टर है ना, वो अगर बॉस को दे दोगे तो नाटक ही एकदम सुपर हिट बनेगा। हाँ। ये क्या था? मतलब पुराने एक्टर का पत्ता काट दो। मैं तुम्हें चाय दिला के रहूंगा, चाय नहीं न्याय, न्याय दिला के रहूंगा। क्या ये डायलॉग बोल पाएगा? अपनी सगी आंखों से देख लो, फास्ट फास्ट हार्ट बीटिंग स्टाइल देख के। ऐसा क्या, जल्दी से उछालो बस, इंजन गरम करो। फूफा फाफ। तेरी तो अरे गाली किसको दिया? ठेले वालों। डायलॉग फाफी फो फाफी फई, इंसाफ का चाट मसाला फीफी फो फीफी फी, सजा का तीखा पानी फफी फो फफी फई, अपराध की सूखी भेल फिफ फाफू, भ्रष्टाचार का आचार नहीं खाओ फाफू, उससे सीना बहुत जलेगा फाफू, ईमानदारी की चटनी फाफिफा खिलाऊंगा। तू 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 ए इधर आ। सेठ जी, इसके इसी स्टाइल की बात कर रहा था। मैंने हकले तोतले बोबड़े सब देखे हैं, हुकनी का भूकू पहली बार देखा। सेठ जी, बॉस ना कोयल जैसे बोलते थे, पर एक हाथ से में इनकी आवाज चली गई, फेफड़ों से सीधा हवा बाहर आती है और कहीं टकराते भी नहीं। तमीज से ना सब लोग इनको हवाई चाचा बुलाते हैं। तो ये हवाई चाचा हवा में उड़ेगा? दोनों भांग मार के यहाँ आयो, ये स्टेज पे फॉरेन फिल्मों की तरह होठ हिलाएगा और तू पीछे से डबिंग करेगा। क्या बोला ये? इट्स टोटली इन सिंक। इसका टेलीकास्ट रोकना पड़ेगा। हां पापा, बोले तो फूटो यहाँ से। ठीक है। चलो, इतना कान खाई रहे हो तो कलाकारी दिखाने का सुनहरा मौका मुंह पे मारता हूँ। बाहर ऑडियंस में पीछे जो बैठते हैं ना, उनसे पसीने के भपके आते हैं। ये इंसानी पंखा वहाँ रख दे, वफो 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 हवा देगा और बदबू दूर भाग जाएगी। चल तुम दिखा दो, आजा। मेरे को भी छेड़ना है, जाऊं क्या स्टेज पे? वो सब असली नहीं, नकली है। 200 की टिकट खरीदी है, छेड़ना हक है मेरा, नहीं तो गांव भर में तेरे को छेड़ता फिरूंगा। तू मुझे धमका रहा है? नहीं, समझा रहा हूँ, बेवड़े लोगों को ये सब अलाउड नहीं है। फफा 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 फलीस जी जी जी,
ये हवा हवाई कहाँ से आ गया? गुंडों की बजा के सिटी, बचाई किसी की बेटी, आया पुलिस बिना रोहित शेट्टी। आएगा अपना टाइम आएगा और पानी भर के नंगा रोज नहाएगा। रोने के लिए भी इसे साथ रखता है क्या? रोना तो तेरे को चाहिए। बीच में बोला तो डंडा मारूंगा। पब्लिक से उल्टी बात मत कर। हर वीडियो वायरल नहीं होता, हर एक्टर शायर नहीं होता और हर एक्टर कायर नहीं होता। अरे गोरिल्ले की तरह सिर्फ बैठे क्या हो? उसकी तरह ताली भी तो बजाओ। बजाओ ताले। बजाएंगे जरूर, पर ताली नहीं तेरी नाटक का फाटक बंद हो गया। चल अब वो पम्मी का डांस तू करके देगा। हवाई चाचा नहीं छोड़ूंगा। रोज वही तमाशा, कब तक चलेगा ऐसा? देर से निकलना फिर फटाफट करके भागना, डर लगता है मेरे को। दो कटिंग दे मुन्ना। अबे पैरों में क्या घोड़े की नाल ठुकवा लूं? बोला ना रास्ता खराब है, टाइम लगेगा। काम सीधा करता है अपन, पर रास्ता हमेशा टेढ़ा हो जाता है। इंसान से ज्यादा वक्त की कीमत होती है। एक घंटा पहले पहुंचेंगे तो 20% ज्यादा पैसा मिलेगा। जान ऊपर नीचे होएगा क्या उसका? एक घंटा यमराज से बच के रहना। बोले तो आज एक घंटे में पहुंचाएगा। ज्यादा लग रहा है, आधा घंटा कर दूं। कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहा? तू कौन है बे? दलाल, जीवन बीमा। मरने पे अमीर होने के ख्वाब दिखाने वाला, चल भाग। ए ब्रेक मार, तुझे पॉलिसी चिपकाने का मेरा इरादा नहीं है। तो फिर क्या चाहिए तेरे को? 5,000 की शर्त लगा, घंटे भर में घाट पार करने की। काका बकरा मिल गया, आजा आजा। पीछे बंगार भरा है, आगे जगह नहीं, कहाँ बैठेगा? टेम्पो के फर्स्ट फ्लोर पर सेट हो जाऊंगा। चल श्रद्धांजलि सेल्फी ले ले। क्या मतलब? टेम्पो बचाड़, फिर पता चलेगा। अपना चौकटा तो तू लेना भूल ही गया। क्योंकि चौकटा मेरा नहीं, तेरा बदलने वाला है। चल जल्दी। चल घोड़ा बन के चढ़ा। एक घंटे में घाट पार करने की बात कर रहा है, बेचारा शर्त हार जाएगा। चल चल डीजल फूक। अबे चला रहा है कि उड़ा रहा है? मम्मी मम्मी मुझे उतार दे। चाहिए उतार दे, उतार दे। अरे खुद का बीमा तो कराया होगा ना? टेंशन मत ले। अभी समझाना, काय को सेल्फी लिया, चौकटा तेरा बदलेगा। अरे क्या कर रहा है? आई। अरे। थोड़ी भूख लगी है। प्लीज गाड़ी रोक दे। क्या सवारी सीधा स्टेशन पर ही रुकेगी? खुद का भी बीमा करा लेना चाहिए था। इधर गया वो? बाप रे, शर्त महंगी पड़ गई। सुन बे विनय, आज तो जय जल्दी पहुंचा इसलिए अगली बार 250 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। जिंदा बचा तो ले लेना भाई। पोस्टपेड या प्रीपेड? कुछ भी हो, पेड़ पर मत लटका देना बाबा। लगता है बहुत दूर से आ रहा है। बहुत दूर से, भगवान से बस 6 फीट की दूरी से यू टर्न मार के आए। सच में? फिर तो सही है, तुम लोग तो भगवान दर्शन कराने का साइड बिजनेस भी कर सकते हो। वो चाहे तो एकाध को भगवान के पास छोड़ के भी आएगा, अपुन का किस्मत जो बच अच्छा। गया। आने में देर काहे हुई? सामान डालने वाले मजदूर देर से आते। सेठ जी, तुम्हारे सामने बहाने बनाता है, थोड़ी चमड़ी उधेर दूंगा। ए, चल रहे। सेठ, आज मेरी दिहाड़ी 20% ज्यादा बनती है, मैंने टाइम से 1 घंटे पहले डिलीवरी पूरी की है, क्या बोलते हो? जो तू बोलता है। तोरा किसी चाहने वाले ने यूट्यूब पर तोरा पूरा फिल्म बना दिया है। आइला पकड़े गए? ये कौन है जिसने मेरी फिल्म बना दी? फिल्म नहीं बे, स्टिंग ऑपरेशन बोल। होशियारी, हमसे होशियारी, महंगी पड़ेगी बेटा। ये क्या सेठ, रोज की दिहाड़ी से भी कम दे रहे हो? खुशी मना तो का दे रहे हैं, तो रास्ते में मर वर जाता तो भरपाई हमको करनी पड़ती। पर सही सलामत टाइम से आया तो फायदा भी हुआ ना? कायदा नहीं तो कोई फायदा नहीं। जा जा बेटा, लोग आगा तुम्हारा ऐसा रखो, इस तरह दिहाड़ी कटती रही तो पता नहीं अपना ट्रक कब ले पाऊंगा। अब तो तेरी बिगड़ी भगवान ही बना सकते। हे मनुष्य,
भाई ला पूरा भगवान धरती पे। सबको पर्सनल प्रणाम। आप सब मेरी झोली नोटों से भरने आए हो ना? तुझसे नोट लेके अपनी झोली भरने वाले हैं। किस खुशी में? फा, बाप का किया औलाद भरेगी। पप्पा पैसा गुल कम है और 5,000 चाहिए। काका हाथ में लिए खड़े हैं। बोले तो देखा तुम्हारे भी गुल हो गए काका। अरे क्या 1500 पूरे हैं। ला दे जेब से एक लिया, अब आंखें तो सिकवाओ। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है पर पम्मी जैसी नहीं है। ये पप्पा का ना नाटक बहुत बढ़ गया। लगता है नाटक में जो रायता फैलाया वो बहके इसके पास चला गया। लाए। अरे बाबा है तेरा, माफ कर दे। कुछ नहीं समझूंगा। डोंट हिट मी, मेरी आवाज मेरी नहीं, उनकी पहचान है। पप्पा किधर है? ही इज इन चूल्हा घर। अरे डैडू, किस्मत का खेल देखा। कैसा खेल? तुम बेटे के चमचे और मैं बाप का चमचा है, दोनों सेम कंपनी में। अच्छा है ना, झोल झपट कर सकते है। क्या उड़ी मारते हो? खाना खाली जबड़ा। पप्पा कुछ शर्म है, ये भानगिरी कब छोड़ोगे? तुम्हारी वजह से आज फिर फटका पड़ा। बाप पेट गाड़ के बच्चों को खिलाते हैं, तुम बच्चे का निवाला छीन रहे हो। अब बताओ हम महीने बार क्या खाएंगे? फे। पापा, तुम्हारे इस एक्टिंग के कीड़े को चूरन खा के मारो ना, और कितनी वलवली करेगा। तुम्हें लगता है तुम स्टार बनोगे? फो फो। कोई शक? और पूरी दुनिया तुम्हारी फैन होगी। फे फा, फो फो। शंबर टक्का तुम्हारी यही हरकत है मुझे। जान तो जा भाई। मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ प्लीज पापा। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है क्या? कभी नहीं। ये मेरा इलाका है, छुप जा गया। चुप है, इसको सिखा मत। वो रास्ते से जाएंगे। समझा कर क्या रहा है? क्या हो गया? अरे समझा। अब क्या किया पापा ने? समझा उसको जाके। पिकनिक पर हैं, खा पी के कचरा इधर उधर फेंक के घर जाएंगे। शाबाश बेटा, और फेंक और फेंक। मेरे बच्चे का निशाना एकदम अर्जुन जैसा है। अरे ये क्या है, कितना गहरा है। अरे सुनो, प्यासे कौवे खाली कर चुके हैं, कौवा खाई बन गया है, भरवाना पड़ेगा। मेरे को 25,000 दे दो, काम कर दूंगा। पैसा वो भी हम देंगे। पड़ोस में कड़िया गिरी करके यहाँ पे कारीगिरी दिखा रहे। फफे। चल बुढ़िया से। अरे भाव, ये मौत का कुआ बन चुका है, तुम इसमें गिर गए तो। हम क्या नशेड़ी कर दूल्ले जो फुदक फुदक के इसमें गिर जाएंगे। तो इसको पाल पोस के और गहरा करोगे, बुढ़ापे में सटिया गए हो। जैसी शरीर वाले जवानी में मेरे को। चलो बुड्ढे, अभी तेरी जवानी निकालता हूँ मैं। और घेरा कर दूंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? गाड़ी आ रही है। क्यों, सब ठीक है ना? फेफफो। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? अरे बचपन से एक दूसरे की लंगोट बांधते आए हैं, तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं। चल बता क्या बात है। अच्छा, तेरी बीवी की प्यार की निशानी कहीं खो गई है? अरे खुद को क्यों कोस रहा है? प्यार बेजान लॉकेट में नहीं, धड़कते जिंदा दिल में बसा होता है। फफी फाफ। रुक जा, तेरा दुख भगाता हूँ। ये देख, कब से लिए घूम रहा हूँ।
ड्रामा कॉम्पिटिशन होगा, झुनझुन वाला ने भाग लिया उसमें, उसे जाके बाटली में उतार, अगर वो पट गया ना तो रोल दे देगा, जीतने वाले को मिलेंगे 8 लाख रुपए। अगर तू जीत गया ना तो तेरा बचपन से एक्टर बनने का सपना सच हो जाएगा। पाफ, 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 पाफ। अरे बोल के तो सब एक्टिंग करते हैं, जो बिना कुछ भी बोले जज्बात को बयान करे वही सच्चा कलाकार है, और इसमें एक नयापन भी है, तू सबका दिल जीत लेगा, कोई तुझ पे यकीन करे ना करे मुझे यकीन है। मेरी एंट्री कब है? फिर तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। नाश्ता अटूट है, नहीं रिश्ता अटूट है, उस अटूट रिक्शे को, रिक्शा नहीं रिश्ता। लड़की को बाइक पे बिठा के इतना ब्रेक नहीं मारती जितना डायलॉग पे मारता है, इतनी मुश्किल से कंपटीशन में हिस्सा मिला है और ये सब चौपट करेगा, इनाम वही जीतेगा जिसकी हड्डी में कला का गुदा होगा। जोन जोन वाला भुकने के तू? फीफा फुफा फुफा फाफे। मतलब तुमसे कुर्बानी मांगने आए हैं। ड्रामा कंपटीशन में जो नंबर आपको मिला है वो इनको दे दो ना, ये स्टेज पे जाके फिम फी सब समझ गया, हुनर की चक्की में सबको पीस देगा। फफुफेफा, कभी मैं ही जीतूंगा, खादी नहीं तोड़ूंगा, खादी नहीं शादी, 2 किलो बादाम और खाना। ये मुझे डुबा के रहेगा, इस पे आने जाने का भाड़ा लगाना भी फिजूल होगा। ठीक है चल, मेरा नंबर तुझे दिया और कप की भी कुर्बानी दी। फफो, अरे वाह, फफो, मजा आ गया। पर जो 8 लाख तुझे मिलेंगे ना उसमें से 5 लाख मुझे एडवांस में चाहिए। 5 लाख रुपए कब मारने थोबड़े पे? कंपटीशन के पहले एक दिन मार देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, समझे? ऑनलाइन ऑर्डर आ गया, पेमेंट कर दो ना। तू हाथ हटा, ये अंधेरे में भी नहीं छूता, तू जाले में छू रहा है, ये मेरा लॉकेट नहीं है। इसको क्यों बोला, अंधेरे से डरता हूँ? अरे उजाले में तो तू छूने नहीं देती। इंजन एकदम टॉप है सर जी, ज्यादा चला भी नहीं, एकदम चुका चुका है। ट्रक तो मस्त है, महीने भर में इसका पूरा पैसा चुका दूंगा। नहीं भैया, इसको लेने के लिए तो लाइन लगी हुई है, 1 महीना ना रुकूंगा, 10 दिन में जुगाड़ होए तो बताओ। सब्जी वाले का ठेला खंगाल के चुन के ताजा लाया हूँ। जीते रहो बेटा। मम्मी जी लोन की गोली फिट करा दो ना। मैनेजर साहब को बुलाती हूँ। गरम इडली, तीखी चटनी और ये चटपटा मसाला। मस्के का फटका मारो। ये लो। सीरियल को छोड़ के आज मुझ पे इतना ध्यान दे रही हो, जो भी बम फोड़ने वाली हो फोड़ दो। मेरे बच्चे को लोन दिला दो ना। ना ना, अपने 2 बच्चे हैं जो अमेरिका में, ये अपना बच्चा नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर है। वो तो गोरी मैम पकड़ के वहीं बैठ गए, हम दोनों बागबान का ध्यान यही तो रखेगा। मम्मी अपनी ममता का बजट थोड़ा कम करो ना, राशन पानी लेके घर आने वाले को गोद लेने का लॉलीपॉप मत दिखाओ, वरना जायदाद में हिस्सा मांगेगा। कितनी जायदाद है आपकी? कुछ नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ, कुछ गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए, लोन उसी बंदे को मिलता है जो चुका सकता है। भरोसा जीत लिया तो लोन मिलेगा ना? कैसे जीतेगा ये भी बता देना। कल कौली भिंडी लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, लंबी वाली लाना। आशीर्वाद दो। सदा सब्जी लाते रहो। मम्मी प्लीज ये अकाउंट जल्दी क्लोज कर देना। हो तुम बिहार दिला देना। बोले तो उधारी पे जिंदगी चलती है, फोन नहीं, मेरा रिचार्ज काय को नहीं किया? रात को तो कर दिया था। कौन से नंबर पे किया? 9848521433। 143 बोले तो लव यू गाना सुन के किया क्या? लास्ट में 142 है, 143 नहीं। फोकट का रिचार्ज किसको मिल गया? पता है सरपंच की बेटी को टपोरी बोलने का बहुत शौक है, कहती है उसे टपोरी भाई बुलाओ। बोलो बंटा लो, क्या लफड़ा है तुम लोग का? टपोरी भाई, ये हमारे बकरे को किडनैप किया और फिरौती मांगे बिना पका दिया, इंसाफ चाहिए। अबे इंसाफ छोड़ना, इसको सालन दे दे। टपोरी भाई तुमको बकरा बना रही है, उस बकरे को नाश्ते से लेकर रात का खाना मैं परोसता था, उसने मेरा नमक खाया तो उसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। अरे ये नहीं देगा तो होटल से ले लेना। अरे टपोरी भाई मांडवली करा तो दो। मेरे चूल्हे पे घंटों इसका गोश्त गला है। अरे इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। मेरा बकरा लिया है, मैं तेरी मुर्गी लूंगा। हाथ में लेके तो दिखा। ढीठ क्वालिटी का लगता है। अबे बंद कर। बहुत हुआ। अबे जा। बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ देख लूँगा तुझे। देख लूँगा। बहुत आये तेरे जैसे। बापू आ गए।
क्या कर रही है बापू? झगड़े सुलझाने का काम क्यों कर रही है? ससुराल में भी तो सुलझाना पड़ेगा ना। अरे तेरी माँ कहाँ है? वो उधर। मुलायम प्यारे घने बाल मर्दों का है ये। क्यों जी, सरकारी दफ्तर को ब्यूटी पार्लर बनाने निकली हो? एक चोटी की कीमत तुम क्या जानो? नहीं जान सकता क्योंकि कुछ होती ही नहीं है। हेयर ड्रेसर की औलाद, सुधरेगी नहीं। कुछ भी मत बोलो। मुलायम प्यारे घने, काश इसकी छोटी बहन से शादी कर लेता। सरपंच जी, बकरा भी हमरा तो गोश्त भी हमरा ना। ये बकरे को डाइटिंग पे रखता था, उसे खिला पिला के मोटा किया तो मेरा हुआ ना। किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। आधा तुझे मिलेगा, आधा तुझे। पूरा तुम रख लो, काट के साफ कर लो। पाव ला के दूं? बेटी को कुछ खिलाते नहीं? अरे उसे खिला भी दिया करो। बन के घूमती रहती है, पता नहीं कहां से आ जाता है। ए, ए, अरे हड्डियां किसी जानवर को डाल के खुश कर दे, वही किया है। अब मजे से चर चर करके सब चबा जाओ। इसका मतलब क्या है? तू जानवर है? हेलो, कौन है? बोलना। जिसका रिचार्ज किया लड़की निकली है? आप कौन है? छिछोरे चाले मत कर, तूने फोन किया ना? तू बोल अपन को काय को फोन किया तू? उसको जिसका मैंने गलती से रिचार्ज कर दिया है, पैसे वापस चाहिए। तू जानता नहीं है मेरे को? क्यों, भूल गई तू कौन है? 300 रुपए बनते लौटा दे। कैसा गरीब चिंदी आदमी है। ए, गांधीनगर के पुल के पास आ और ले जा तेरे पैसे। काका है? मिलने बुला रही है, लगता है बोल बचन पे फ्लैट हो गई। भतीजा किसका है? चाचा, वो रही वो जो टेम्पो में फल ठूस रही है। इसे ही मेरी जान खाने वाली बीवी बना दो ना। वाफे फी। हमको क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? झुनझुन वाला ने जो आपसे पैसे की नाजायज मांग की है वो मैं पूरी कर दूंगा। गीले रूमाल से मारूंगा। लेकिन क्यों? ओ फा 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 फा। 5 लाख रुपए नहीं दिए तो आशिकी की पिक्चर की कसम दूंगा। फो फो। जबरदस्त। ए चले नीचे उतर। क्या, काय को उतरू नीचे? चल उतरना। वो कहते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, पर तू तो दानों से दूसरों का नाम मिटा के अपना नाम लिख रही है। भुक्कड़ गएगी। रुको, ए रुको। सतीश पप्पा का दुम छल्ला बन के घूमता रहता है। क्या करे, इससे अच्छा कोई ढंग का काम कर ले। दिखता नहीं है क्या? रुक रुक। ए सुन, मेरे को नाके तक लिफ्ट देना। बैल को तो पब्लिक पीछे बांध के रखती है, इसको आगे काय को बिठाया? भतीजे, बैल दिखता है क्या? सुंदर लड़की ने की थैंक यू बोल के पीछे चले जाओ। आजा आजा आजा, हुड 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 हुड। थैंक यू, बैठ जा। अबे तू कब चढ़ा? अरे जब टेम्पो रुकी थी तभी चढ़ गया था, अब फ्री में घूमूंगा। अरे ये क्या है, तुमने तो खुद को बैल की तरफ बांध लिया है। अरे उस दिन तू ही बोला था ना कि भगवान के दर्शन कराता है। हाँ तो तेरे को भी दर्शन करा देंगे। अच्छा चलो, मैं भी अपने पापों की माफी मांग लूंगा। क्या थकेली गाड़ी है ये, इससे तेज तो मैं भाग के जाऊँ। मैं तुम्हारे दहेज में आया ड्राइवर नहीं हूँ। पैसा चाहिए? क्या नल्ला ड्राइवर है। साबित करूँ मैं नल्ला नहीं हूँ। नल्ले। अबे हट यहाँ से। रुक रुक। बाप धोने गए तेरे को। अब धो। अबे अबे रुक। अबे रुक ना। ये तो पायलट बन गया। हे भगवान। अबे बस कर। अबे बस कर यार। दिन में तारे दिख गए। इसीलिए बांध रखा अपन। लूडो के पास से कितना मत घुमाओ। बचाओ। अबे सवाल के गया ये तो काम से। मम्मी बचाओ। मम्मी। बॉल की तरफ घुमा दिया। अब मानती है ना कि नल्ला नहीं हूँ। पापों को ही माफी मांग ली ना? हाँ हाँ मांग ली। पापों का घड़ा खाली हुआ? पूरी तरह से फूट गया रे। ओ पापा, बहुत गर्मी है रे। तेरे को उंगली दी तो हाथ पकड़ेगा क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए, मेरी सेटिंग आने वाली। तेरी कौन सी सेटिंग बे? लालटेन की रोशनी में जो नंबर रिचार्ज किया वो काका का नहीं पटाका का निकला, जो मेरी जिंदगी में फूटने वाला है। अल्लाह, ये तो वही चिंदी निकला। अभी गोली देती हूँ। वो तेरे पैसे देने आ रही होगी, तेरी गर्लफ्रेंड बनने नहीं। क्यों नहीं, यहाँ इसीलिए तो बुलाया। ऑनलाइन पैसे आए थे, ऑनलाइन ही मुझे लौटा देती। ऑफलाइन लाइन मारने का चांस दिया, मतलब उसके दिल में प्यार का रिंगटोन बज रहा है।
तुम्हें नहीं लगता? बिना देखे तेरे को प्यार काहे को करेगी? अरे कुछ लड़कियां हीरो को ना सूंघ लेती हैं। फोन बंद आ रहा है? फोन का गला दबा दिया? शर्मा गई होगी क्या? मेरे को काहे को पूछ रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। अच्छा, मुझे मेरी ठरक यहाँ लाई, पर तुम यहाँ क्यों आई? मेरा पीछा करते आई ना? नहीं नहीं, तेरे नहीं। तो क्यों आई बोलो? बता रही है ना मैं, रुक। टपोरी भाई, आप इस इलाके में कैसे फ्री का खाना खाने आई हैं? अब हम दोनों का जवाब दो। बता रही हूँ ना, रुक। आह, गांधी जी के बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे गांधी जी। वाह वाह, धू हैं ये, बारिश में भड़क क्यों रहे हैं? इनका बारिश से 36 का आंकड़ा है। हैं? बारिश से कोई कैसे चिढ़ सकता है? वो तो ऊपर वाले की देन है। कुछ हुआ था क्या? बहुत बुरा हुआ था। क्या? फो! फो! वो भिखारी नहीं है जो उसको आगे बढ़ने को बोल रहे हो। बादल है वो, अपना कोटा खाली किए बिना हिलेगा भी नहीं। फैफा फा फफ 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 फफ। बारिश का मौसम डिलीट कर दोगे तो रोमांस का नल के नीचे करोगे। आगे बढ़ बोला ना, आगे बढ़। ओ हाँ, जा, नहीं तो ये फूंक के तुझे सर का देंगे। हेलो हेलो, मैं पुतले के पास खड़ा था, तुम आई क्यों नहीं? हाँ आई थी। बोल। आई थी, लेकिन कब? जब तू उस पुतले के पास उस बंदरिया के साथ जोर जोर से हंस रहा था ना, तभी आके गई मैं। बंदरिया कहाँ से, कड़क मॉडल था। अच्छी लगी तो मेरा नंबर डिलीट करके जाके उसका सेव करना। नहीं नहीं नहीं, बंदरिया नहीं, एनाकोंडा भी है। आज 2 किलो गोश्त 2 मिनट में खा गई। हाउ काली है, पूरा गांव उस पे थूकता है। अरे ऐसा क्या बोल रहा है, दूसरे का खाती है, अपने बाप का थोड़ी। उल्टी कहावत, बारिश नहीं बह रही पर मेरे अरमान बहने लगे, वो भी टपाटप। इससे पहले ओवरफ्लो हो जाए मेरे पैसे लौटा दो ना। पैसे चाहिए तो आ जाओ सरपंच के पानी के पंप के पास। पानी का पंप मतलब तारारम पम। फो 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 फे फो फे फो फे, कर दी कर दी कर दी। फो 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 फे फो फे फो फे, सेटिंग खराब कर दी कर दी कर दी। चाचा ये मौसम विभाग बंद करो, मेरे प्यार का विभाग कब खोलोगे? फेफा फिफ फेफा। थैंक यू। क्या बोले ये? आप ये क्या एक बोले? एक शब्द बता। मुझे नहीं समझा। तो छोटा मोटा चिपकाया क्यों थैंक यू? अगर ये होंठ है तो मैं इनकी जुबान हूँ, मेरे को कैसे भूल सकते हो? तो बताओ क्या बोले? खोलूंगा, अभी खोलूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? लव की भाषा समझाने के लिए अपनी भाषा में लेटर लिखो। व्हाट्सएप चलेगा क्या? अरे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे ना। येलो पेन पकड़ो। फेफ फाफ, पेन नहीं वेपन चाहिए। प्यार करना है या वार करना है? फफ वेज पफ या एक पफ। फेफ फो, खून निकालने के लिए। अरे व्हाट्सएप भी कर लो ना। खून देकर आजादी मिल सकती है। फा 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 फा। तो प्यार की जेल क्यों नहीं? फा फा फा। उम्र कई। मान गया, क्या खुरा फाती खोपड़ी पाई है। ए चल 200 ग्राम खून दे, पैसे ले लो, पर खून नहीं, मैं खून की स्याही देने वाले को 10,000 दूंगा। खून की स्याही मुझसे ले लो। ऑफर सीमित है, जरा जल्दी करो। फी फी फो फो फो। लेकिन बीपी और शुगर। अरे ये बीमारियां पैसों के टेंशन से ही हुई हैं। और तू कौन से बड़े शायर की औलाद है जो दर्द भरी गजलें कागज पे लिखेगा, 4 बूंद खून निकाल के आई लव यू लिखेगा, तो इसका भला होने देना। खून की कमी हो जाएगी। अरे मैं खून की कमी फ्रूटी पी के पूरी कर लूंगा, पर पैसों की कैसे पूरी करूंगा? अरे सोच क्या रहे हो, लगाओ चीरा। फफो। ओहो। फी फफफा। इतना लालच। कन्या का शुभ नाम? दामिनी शिवा गामिनी गजगामिनी कामिनी यामिनी संभावनी लुभावनी जीवदानी मंदाकिनी सुहास्त्री। प्यार से कहते सनी। सनी नाम सही है, सनी को ही लॉक कर दो। फो 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 फो। अरे जल्दी लिखो वरना खून सूख जाएगा। ईश्वर को साक्षी मान के मैं जो कुछ भी कहूँगा सिर्फ सच ही कहूँगा। अरे ये प्रेम पत्र है, अदालत में गवाही हो रही है। फे 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 फे। बीच में टोक दिया ना। फफा फा फफा। दोबारा लिखेगा। फूफ फी फफा। मैं जो कुछ भी कहूंगा। फाफ फीफ फफा। फाफ फफा। अरे खत्म।
और सच के अलावा भाई सीधा सीधा लिख देना, मुझसे शादी कर लो सनी। फिम फे सोच के बाहों को फोड़ दिया तो फिर से फाड़ा। फफा फफा फफई ईश्वर को साक्षी मान निकालेगा। फफा फिफा फफई फे फफो फा फफई मत काट कर नहीं बन मेरी सनी। फफा फा फे फफा ये है कि था चेक फफा हाय हाय फे तो रॉन्ग नंबर आ रही है। ओ पापा। नमस्ते। ठूसने के लिए आसपास कुछ भी नहीं है। मुझे सिखाएगा, मेरी जमीन पे देश जाना बनता है, पीछा कर रहा है मेरा। नहीं, मुझे तो रिचार्ज वाली ने यहाँ पर बुलाया। खेत में रिचार्ज का प्लान है क्या? नहीं, नहीं, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। तो फिर काय के लिए आया हा? 300 रुपए लेने का। और उसके बाद? फेस और फिगर जमा तो प्यार की सिगड़ी पर कोयला जलाऊंगा। उसके बाद? उस पे शादी का भुट्टा सेकूंगा। और फिर शादी के बाद? खुल्लम खुल्ला बताने में शर्म आ रही है, फिर भी बता देता हूँ, शादी के बाद उसके साथ सुख दुख बांटूंगा। उसके बाद बच्चों की लाइन और अपनी लाइफ में सब फाइन। अबे फाइन वाले, तू मामूली ट्रक ड्राइवर है, रिचार्ज वाली किसी बड़े बाप की औलाद निकली ना तो कैसे खुश रखेगा? बस तुम्हारी जैसी भूखी ना हो, बाकी संभाल लूंगा। वैसे सवाल अच्छा है, आओ बैठो समझाता हूँ। बैठो बैठो। आज दुनिया की सारी लड़कियों की आंखें खोलता हूँ, तुम या पैसा वाला लड़का ढूंढती हो या फॉरेन में रहने वाला। नोट वाले लड़के से क्या मिलेगा, भक्कम नोट मिलेंगे पर वक्त का एक कतरा नहीं मिलेगा। तुम्हें सब कुछ देगा, बंगला देगा, गाड़ी देगा, जेवर देगा, पर कीमती वक्त नहीं देगा। बाहर की लक्ष्मी के सामने घर की लक्ष्मी टाइम वेस्ट लगेगी। मेरे जैसा गरीब तबके का आदमी देखो, सुबह 9 बजे निकल के ट्रैफिक में झगड़ा वगड़ा करके शाम को ठीक 5 बजे घर में वापस एंट्री मार देगा। रोज गजरा और चना चूर गरम लाऊंगा, हाथ से निवाला खिलाऊंगा, सस्ता थिएटर में पिक्चर दिखाऊंगा, घर आके हीरो के डायलॉग बोल के हंसाऊंगा, हीरोइन के गाने पे उसकी रील बनाऊंगा, ऐसा हसीन माहौल बनाऊंगा कि दूसरे के पैसे देख के भी कभी जान नहीं चलेगी। इतना खुश रखूंगा क्योंकि हमारे पास कुछ और ना सही पर वक्त बहुत होगा। एक छत के नीचे तो जानवर भी वक्त काट लेते हैं पर इंसान साथ मिलके यादें बुनते हैं। इसके लिए वक्त चाहिए जो पैसे वाला देने में कंजूसी करेगा। और मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त की जायदाद है जिसे मैं अपने साथ जिंदगी बिताने वाली पर दोनों हाथों से लुटाऊंगा लुटाऊंगा लुटाऊंगा। अरे रुको, क्या हुआ? आ जा रही हूं, सुनो तो सही। आइला माशुका आ रही है। फा फा फा। बाजी मार ले। थैंक यू। फे। और जाके। फा फा फे फा 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 फे। हो शुड़ा दे। बजरंग बली, पहली बार दो पहिए पे सवार हुआ हूँ। ध्यान रखना कोई टकराए ना। पहले तुम अपना बैलेंस करो। बैलेंस करूंगा। ये पार्टनरशिप कब शुरू हुई बालक? जब मैंने तुम्हारी मूर्ति और स्टिकर में इन्वेस्ट किया। ये पार्टनरशिप नहीं, हमारी भक्ति है। ऐसे भक्त से तो नास्तिक भले। बजरंगबली, आज हम दोनों को उपवास है। हम दोनों मतलब? मैं और मेरी दो पहिया, हम दोनों की श्रद्धा देख के मेरे पुण्य बढ़ा देना और इसका एवरेज बढ़ा देना, बड़ी कृपा होगी। तुम कृपा करके रास्ते पे देखो, अब ये टकराएगा, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ये तो खुद ही उड़ गया। खून पानी हो गया। नहीं नहीं, अब और नहीं, चुल्लू भर खून बचा है मेरे शरीर में। अभी से एक चम्मच खून। तेरे लोन की गारंटी हम दें ताकि तू ट्रक का मालिक बनके हमारे धंधे को खाने की कोशिश करे। मैं तुम्हारी तरह चीटर थोड़ी हूँ, भरोसा करके मदद कर दो। ये भी ठीक है, ट्रक का टोकन दे दे, वरी पर हमारी शर्तें लागू होंगी। हफ्ते में 4 दिन तू जो भी कमाएगा वो गल्ला तोरे पास, पर ट्रक खरीदने के 3 साल तक हफ्ते में 3 दिन अपना ट्रक हमरा समझ के चलाना पड़ेगा। भतीजे, 3 साल?
मतलब घाटा, अपन की मजबूरी का फायदा उठा के खुद कमा लेगा, अपन रस्ते पे आ जाएंगे। बोल हाँ कि नहीं। एक बार जो हम घर पहुँचे तो मूड का भरोसा नहीं। सेठ जी आपको घर पहुँचा दूँ? हाँ जल्दी पहुँचा, पहुँचा जल्दी। चलो ठीक है सेठ, कल पेपर लेकर आता हूँ। चलो काका। एक बार फिर से सोच ले भतीजे, ये पेपर लाएगा या नहीं पूछ लीजिए। मेरे बाप का क्या? हाँ अगर तूने स्टेज पे ऐसा ही परफॉर्म किया ना तो पक्का इनाम तू ही जीतेगा। आ बैठ कॉफी पी। क्या मस्त बोला है। नमस्ते टीसी साहब। हाँ बीवी को मायके भेजना है, टिकट चाहिए। ट्रेन मेरे बाप की है, या मैं मुंह से टिकट छापता हूँ? तो क्या करूँ, कल स्टेशन आ जा। क्या बात है, आज बहुत चहक रहे हैं। फुम फुफे फफी फफु फुफु फु। मैं ड्रामा कॉम्पिटिशन का इनाम जीतूंगा। और उस पैसे मेरा बेटा खुद का ट्रक खरीदेगा। वो सेठ से मदद मांगने आया था। सेठ ने शर्त रखी है कि 3 साल तक उसके लिए काम करेगा तो उसे गारंटी मिलेगी। मतलब मालिक भी वही, गुलाम भी वही। उसका बाप ऐसा नहीं होने देगा। सुन, इससे पहले ये कोई तमाशा करे इसके बेटे को फोन लगा। थोड़े खर्चे उठाने का जुगाड़ करके आए हम, जम के अय्याशी करेंगे अब तो। फुम फिम फा, जम के पिटाई करूंगा। कौन करेगा बे? फी फम फफफा, एक आदर्श पप्पा। ये कबाब में अड्डी, हमरा बना हुआ मूड मत बिगाड़। हेलो सलाम नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी आरजे सामी, और आज के हमारे शो में हम बात करने वाले हैं एक प्यारी सी लव स्टोरी की। और लव स्टोरी जैसे कि अबे मुझे दिखाने से अच्छा उनको रोकना। मारने वाले को रोकते नहीं, खाने वाले को टोकते नहीं। वारिस को ला वारिस समझता है क्या? फू फे फू, 3 साल तक फीफा तेरे लिए हमाली कराएगा। ओ फफफा, और मैं चुप रहेगा। फफफफफफफफा, तेरी पूरी चर्बी उतारूंगा। बाप बेटे मिलकर हमारे साथ उल्टा गेम खेलोगे? गारंटी गारंटी चाहिए ना, अच्छे से छोड़ा हूँ तेरे बाप को, और साथ में तुझको इस गांव से निकलवा कर दम लेंगे हम, इसकी गारंटी देते हम। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। तेरी रात का तो खासर कर दिया। ये क्या हरकत है पापा? सेठ को कितना गिड़गिड़ा के राजी किया था, वही एक उम्मीद बची थी, उसे भी आपने तोड़ दिया। अब कैसे लोन लूंगा, इनका प्यार मुझे भारी पड़ गया ना। मेरी जिंदगी बना नहीं सकते तो उसे बिगाड़ो भी मत, समझाइए इन्हें। बस हो गया, समझा कर, जिम्मेदार बेटा मिला है ना तो उसे तंग मत किया कर। फोफे ठीक है। पोधारिये। सीधा खेत से लाए। मैं सोदासु हागन रहूं, करे लेके भोजिये बना के। खाना बाद में, पहले बम फोड़ो। हमारे बच्ची, ये हमारे अकाउंट से नहीं निकला। हाँ, सुनो तो, बच्ची को गारंटी देने वाला मुकर गया। हाँ तो? पर कोई देने वाला था, ये सोच के लोन दे दो। सीरियल छोड़ के एक कप चाय नहीं देती और कहती है मैं गारंटी छोड़ दूं। गली में जाके अपने बच्चे के लिए चंदा जमा करो। जब पति रखा है तो मैं क्यों मेहनत करूं? बैंक कितना इंटरेस्ट लूटते हैं, तुम 5 लाख लूट के ले आओ। अपने देश का तो रिकॉर्ड है, बैंक लुटेरे बच जाते हैं। सच्ची बता, तुम दोनों खुफिया आतंकवादी तो नहीं हो ना, जो पहचान बदल के रह रहे हो इधर? आपकी कसम एक हफ्ते में लौटा दूंगा। चल झूठाड़ा, तेरे पापा ने तेरी पढ़ाई के लिए घर गिरवी रख के जो कर्ज लिया था वो अभी तक उतरा नहीं है। मेरा पैसा भी शेयर बाजार में अटका है तो मैं कहाँ से दूंगा? बाप से गलती हो गई, बेटे से नहीं होगी। आप बस बैंक से पैसे फंड कर लो, मतलब उधार ले लो। अगले महीने ऑडिट इंस्पेक्शन के लिए बड़े ऑफिसर आने वाले हैं। महीने नहीं, सिर्फ एक हफ्ता रुकना है, मेरी पूरी जिंदगी सवर जाएगी। मान जाओ ना अंकल। ठीक है, तू जबान दे रहा है तो
मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। इला एक हफ्ते में दे देगा ना? हरे हरे नोट दूंगा, हरी सब्जी जैसे। मम्मी अबे शर्मा, काम पे लेट आता है पर टाइम पे घर पे तो जा। और तू वर्मा, बीबी को बच्चों की चक्की में झोंक के खुद यहाँ फैल के बैठा है और इस सेमंता से वेब सीरीज की स्टोरी सुन रहा है। निकलो, सब लोग निकलो, बैंक को हजाम की दुकान बना दिया। जस्ट लीव द बैंक आई सेड। चोरी कर भी रहा हूं तो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। मम्मी, मैनेजर ने टांग तो नहीं दे दी? ये पैसा नहीं, मेरी जिंदगी है, टाइम पे लौटा देगा ना। अपने बच्चे पे भरोसा रखो। मम्मी, आज घर में कोई नहीं है तो मुझे पकड़ के चोटी बना रही है। क्या मेंटल बीवी मिली है? मेरी कला की ना बेइज्जती मत करो। सर के बाल क्या, मूंछों की भी चोटी बनाऊंगी। बेटी का फोन बजा। अरे धीरे, बाल खार के साथ निकल जाएंगे। निकल जाए तो अच्छा ही है, मुझे तो गंजा होना भी मंजूर है। पर मुझे मंजूर नहीं है। छोटी बहन को पसंद कर लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे रुको जरा। हेलो, कौन है बे तू? फोन वाली सिर्फ मेरी है। तेरी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है। सरपंच हूँ यहाँ का, प्यारे मोहन बोल रहा हूँ। तू कौन से गांव का है? सरपंच की बेटी? मतलब इतने दिनों से मुझे पिना रही थी। हेलो, बहुत पैसे आ गए क्या कि 300 रुपए मांगना भूल गया? लड़की पैसे दोनों मिल गए। क्या बोला तुमसे? चाचा का नंबर उसके नंबर से मेरे नंबर तक पहुंचा और नंबर के चक्कर में मेरा नंबर लग गया, अब मैं उसका नंबर ही बन गया हूँ। किसी और का नंबर नहीं लगना चाहिए था। सीधी बैठ, सर मत हिला। जैसे यहाँ पर आई, दिल के पास से गोल बटुआ निकाल के सीधे 300 रुपए दे दिए। नोट पे उसने होंठ की मोहर भी लगा दी। होठों का डिजाइन देख के दिल ने कुलाटी मारी और सीधा उसे सिनेमा ले आया। अब कॉर्नर सीट पे बैठ के धमाल करेंगे। रुक, मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी आ। चोटी तो बनाने दे। चोटी से ज्यादा प्रॉब्लम अब उनकी लाइफ में है माँ। चोटी की कीमत तुम क्या जानो बेटा? इधर मेरी लाइफ डेंजर में। कभी बोलती हूँ कुएं से पानी निकालो, कभी बोलती हूँ चोटी बनाओ। चोटी चोटी, कुएं से पानी निकालो, काम करो। वो आ गई, जल्दी में लगती है। फाफ 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 फाफ, संभाल के रोड क्रॉस कर। गया 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 गया। ये लेटर भी फट गया। फैफ, आखिरी बार फैफ की लेटर। मम्मी के लटके झटके छोड़ के तमन्ना के देखने आया हूँ। आज तो पैसा वसूल करूंगा। अरे उधर पम्मी ने धोखा दिया, इधर तमन्ना ने तमन्ना पूरी नहीं की। मेरी तमन्ना कौन पूरी करेगा? मच्छी मार्केट बंद कर। आ गई लाइन पे। अबे और ड्राइवर, निकल किधर बैठा है तू? जनता जनार्दन, पाइलागु, कैसे आना हुआ? अप्पू ने तेरी रिचार्ज वाली। ओ, गांधीनगर के पुतले पे मैंने बुलाया था। ओ, वाटर पंप के इधर भी मैच बुलाई थी तेरे को। ओ, तेरा नेक दिल देख के, तेरी सादगी देख के मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया। तेरे लिए दौलत भी छोड़ने वाली थी मैं। और तू जनता जनार्दन के साथ मजे ले रहा है? चिल बेबी, तुझसे सच उगलवाने के लिए मैंने फेकम फाक की थी। Yes! I love you! I love you! पहाड़ी के मिल का ट्रक ड्राइवर हूँ सरपंच जी, पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। जल्दी मेरा खुद का ट्रक होगा, फिर ट्रक की लाइन लगा दूंगा। बस आशीर्वाद दे दो। जिसने भी मेरी बेटी का रिश्ता मांगा, उन्होंने मुझसे हमेशा दहेज मांगा, आशीर्वाद नहीं।
खुददारी की कदर तो ऊपर वाला भी करता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, लड़का कड़क है। टपोरी स्टाइल दोनों हिट है। थैंक यू बाबा। देखो बेटी, लड़का तो सीधा है, घर वाले टेढ़े ना निकले, उनसे भी मिलते हैं ना। क्या पता है, लगता है आप ही जीतोगे। वो वाला उठा ना। बोल क्या हुआ? सुन गगन, पापा कहाँ? वो यहीं पे है। उनको जरा सरपंच के घर जाने बोलना, वो अपनी बेटी का हाथ मुझे देना चाहते हैं। बस उनको बोलना कोई बखेड़ा ना करे। ठीक है। चाचा, वो सरपंच मेरे प्यार की कहीं और शादी कराना चाहता है। दूल्हे का बाप आज रिश्ते की बात करने गांव आएगा। सरपंच ने तो उसे कभी देखा ही नहीं है। तुम नकली बाप बन के जाओ ना और बनते रिश्ते को बिगाड़ दो। फाई फाई फफा, जलील आइडिया है। फफी फफफा फफफू, लेकिन ड्रामा का पैसा कब देगा? एक बार बस ये रिश्ता टूट जाए, फिर पैसे भी ले जाना। सही बोला। नमस्ते अंकल। आइए ना। फी फो फफफफफा फी। मेकअप से बदसूरती छुपाने वाली। फी फफफे फेफे। बाप नाम का कीटाणु बोला। क्या बोले? आ गए आप, आइए आइए, क्या सेवा करूं? फा फो फफा। क्या कहा? नाड़ा बांधे। ये क्या बदतमीजी है? फी फफफफो फफफी फफी। अरे सरपंच प्रजाति के फफोले। फफो फिश्ता करेगा। फ-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 फ
आईएएस की बेटी या आईपीएस की बेटी? तेरे जैसे वायरस की बेटी नहीं। क्यों जी, कौन है ये? फाइफा बीवी है क्या? हाँ, उससे क्या चाहिए? अरे मुड़ क्यों गए, मुझसे बात करो। अंकल ये क्या कर रहे तुम? फीफी फा 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 फा। वो लॉकेट नहीं है। पहले तुम लोगों ने मेरी इज्जत उतारी, फिर बीवी की इज्जत पे हाथ डाला। तुम्हारी भी इज्जत नीलाम करूंगा। फेफो चुबे फुकरे। मेरे आदमी मेले में गए, वरना तुम दोनों का ठेचा बढ़ा देते। फाई फाई फा। हम बना देते हैं तेरा ठेचे के लिए सामग्री के गमछे से बांध के धूप में गोल गोल घुमाइए, फिर उसको खली में डाल के हिट रैपिडली अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हिट, और फिर खटाखट फटा दे तक पतला हो जाए, और फिर सुखाने को डाल देने का। ये बन गए मास्टर शेफ। तेरे बेटे की बारात, इस घर की तो भूल जा, गाँव के किसी घर में जाने नहीं दूंगा। अंकल आप लोग निकल जाओ इधर से। ये दोनों पागल हैं क्या? पूरे के पूरे। फिफी फैम फफा फफे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। फे 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 फे। फिल्म स्टेज पे देखना। मंच पे अगले कलाकार का स्वागत कीजिए, हवाई चाचा। Thank you.
कला ने रुला दिया, उसके पैसे उसे लौटा दो ना। कला अनमोल होती है, उसे पैसों में मत तोल। पर इस पे उसका हक है ना? तालियों पे है, पैसों पे नहीं। अरे कमाल कर दिया तूने, इनाम तुझे ही मिलेगा। हाँ, हाँ, बाकी सब तो खच्चर हैं, एक यही तो एक्टर है, इतना आसान नहीं है। प्रतियोगिता में कितनी सारी टीमें आई हैं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मुझे पूरा यकीन है इनाम तू ही जीतेगा। जीतेंगे भाई जीतेंगे, फफी हम ही फफे नाम को जीतेंगे। लाडू जी, चाचा की एक्टिंग के सब फैन बन गए, इनका बेटा उधर होता ना तो बौखला जाता। बौखला हुआ ही है। इनके दीदी तो अरे अरे क्या हुआ, फेफी रुकिए, सरपंच के घर गए थे, जानबूझकर रिश्ता तोड़ा, उस लड़की के साथ घर बसाना चाहता था, तुमने घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। नहीं नहीं, ये एक्टिंग मुझे मत दिखाओ, किसी और को दिखाना। सेठ के भाई गगन को कहा था तुम्हें समझाए कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, फिर भी मेरी खुशियां कुचल के आए। ऐसा लगता है तुम मेरे बाप नहीं दुश्मन हो। हे पापा, ये अदाकारी स्टेज पे यहाँ पर नहीं, इससे घिन आती है। चलो प्यार तो छीन लिया, एक सपना देखा था खुद का ट्रक लूंगा, उसके लिए लोगों के तलवे चाट के 5 लाख रुपए जमा किए थे, उस सपने की भी बलि चढ़ा दी। बोलो वो पैसे तुमने चुराए या नहीं? रिश्ता तोड़ दिया, पैसा निकाल। पर उससे पहले मेरे भाई को तोड़ा था ना, इसलिए नहीं मिलेगी। चल निकल। चाचा ढीला मत पड़, कल नाम लिखाने का आखिरी दिन है, पैसा ही वो सीढ़ी है जो स्टेज पे पहुंचाएगी। अरे चुप करो। कहते हैं वो खुश नसीब होता है जिसके सर पे बाप का साया हो, पर मेरा बाप मुझे रौंद के आगे बढ़ना चाहता है, इससे अच्छा तो बाप ही ना होता। मुझे पैदा क्यों किया, बर्बाद करने के लिए? तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा दिमाग भंड आ रहा है। मारते हो पापा, आज क्यों बचा लिया मुझे? सच में बहुत बड़े एक्टर हो। गलती से मुझे औलाद मानते हो तो यहां रुक के और दुख मत दो, रहने दो, लोग मुझे ही गलत समझेंगे, मैं ही चला जाता हूं। Fall!
हरी हरी क्यों एक सरी की हरी 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 करके लगी है? हरी को प्यारा नहीं हुआ हूँ, झपकी लगी है खाली। मुद्दे पे आ जा। हमारे बेटे असली नहीं नकली बेटा। हाँ, काम पूर्ते बेटे का ना फोन आया था। क्या बोला? वो पैसे देने आ रहा है। चोरी का माल फिर से चोरी हो गया। हरी मम्मी मम्मी अगले महीने हायर ऑफिसर ऑडिट करने आएगा तो क्या जवाब दूंगा उसको? कौन हो? ऐसा लगता है सूट पहन के फेरी वाला आ गया। फेरी वाला नहीं, मैं बैंक ऑडिट ऑफिसर हूँ। बैंक चलिए, हिसाब देखना है। सर अगले महीने टपकने वाले, मतलब आने वाले थे। क्या है कि अगले हफ्ते बीवी बच्चों के साथ यूएस घूमने जा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो बैंक चले? बैंक काई को? तुम्हारे साथ मैं भी अमेरिका चलता हूँ। घूमने की खुजली मुझे भी हो रही है, साथ मिलके मिटाएंगे। पिग्गी बैंक तोड़ देता हूँ, उसका ऑडिट कर लो, बैंक का बाद में कर लेना। एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? सर, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज, हाँ, बैंक तो बहुत देखे होंगे। बैंक मैनेजर का घर मैं दिखाता हूँ, आइए। पलंग बनवाने के बाद जो लकड़ी बची थी उससे ये बनवाया था। अरे ये देखो स्केल, शायद मिस्त्री भूल गया था, आपने ट्यूशन में इससे बहुत मार खाई होगी। ऐसे ये सेकंड हैंड कुर्सी है, और ये ताड़ू चश्मा है, इसको पहन के किसी को भी ताड़ो बीबी को भी पता नहीं चलेगा। मुझे पप्पी का शौक है पर उन्हें घुमाने का नहीं, इसलिए नकली रखा है। सर ड्यूटी आवर में सो मत ने, हर घर कुछ कहता है। कैसा लगा घर सर? घर दिखा दिया? यस सर। एक बज गया, बेहतर होगा हम बैंक चले। इतना क्यों तड़पते हो सर? इतना तो माँ अपने कोक से निकले बच्चे के लिए भी नहीं तड़पती। ये कोक कहाँ से आ गई? I'm actually trying to say is, हाँ, लंच टाइम एक बजे होता है, सब रोटियाँ तोड़ रहे होंगे, आपने बहुत से टिफिन चट किए होंगे, पर अपने मैनेजर का खाना खाया है? मैं खिलाता हूँ, चलिए खा लीजिए सर, मेरी भाईड़ी के हाथ का है। कमो सर, उठा के ले जाओ। ये मम्मी के नाम का, ये पप्पा के नाम का, दादाजी के नाम का। कौए को श्राद्ध खिला रहे हो क्या? क्या सर, हर उंगली 60 सेकंड घसो और बीमारियों से बचो। 4 घंटे, जितना वक्त पकाने में नहीं गया उतना खिलाने में गया। क्यों पका रहा है? सर मीठा लाऊं? देखो 5 बज गए हैं, तो बैंक चले। तो चित्रगुप्त है क्या? ऊपर जाके हिसाब देना है वरना दुनिया नहीं चलेगी। अरे चित्रगुप्त कहां से? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्लोजिंग टाइम है ना सर, बैंक वीरान पड़ी होगी, आप आराम कीजिए, मेरा बेडरूम बहुत अच्छा है। रहने दो, मैं चलता हूँ। लेकिन कल तो बैंक चलोगे ना? इम्पॉसिबल है सर। वो किस लिए? रविवार है ना। अरे यार, ऑडिट करने आया था, तेरा हिसाब ऐसा बिगाड़ूंगा कि उल्टे पैर दौड़ेगा यहां से। जा।
थोड़ा खराब चल रहा है, एक हफ्ता और दे देते तो। एक हफ्ता ना भाया, ये ट्रक नहीं सोने की खान है, तीन दिन में बिक जाएगा। बोलूंगी ससुर जी की सटक गई है, लेकिन आपके जमाई में कोई गड़बड़ नहीं है। शहर में अच्छी नौकरी भी दिलवा दूंगी तुम्हें, जिसमें कम काम और पैसा ज्यादा हो। मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना है, थोड़ी मोहलत दे दो। ट्रक वाला प्लान फ्लॉप हुआ तो तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, वैसे भी यहाँ क्या रखा है। ठीक है। चाचा! चाचा बेटा नीचे आ जा। बाबा हूं मैं इसका, पर इसकी जान हमेशा चाचा में अटकी रही है। उसके बिना क्या हाल हो गया इसका। झगड़ा बेटे से हुआ था, मेरे को क्यों छोड़ के चले गए? क्यों सजा दी मेरे को? हेट यू आई चाचा। मादम क्यों छाया? चाचा के जाने का इसे गहरा सदमा लगा है। सदमा लगा है तो कुएं में कूद के जान दे दे। बेटा गलती इंसान। बस करो काका, आप सबका दिल भारी हो रहा है, पर मेरे सर से तो बोझ हल्का हो गया। अब वो वापस लौटे या ना लौटे, मेरे लिए तो मर चुके हैं। स्वागत है आज की आकाशवाणी में। कैसे हो बच्चों? संडे मतलब फंडे, रेडियो चाचा आया कहानी लेकर, तो सब सुनने के लिए तैयार हो ना? आज मैं सुनाऊंगा जंगल की कहानी, बड़ा मजा आएगा। शेर और शेरनी की। बच्चा हुआ सिम्बा। शेर का भाई उसकी गद्दी छीनना चाहता था, जिस पे शेर को गुस्सा आ गया। उसने कहा गद्दार, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। फिर हाथी ने हामी भरी।
माफ कर दो शेर राजा, माफ कर दो। ऐसा कहकर दुम दबाकर वो भाग गया। कुछ पूछ ऊंची ऊंट की, पप्पा ये बोल के दिखाओ, कुछ तो ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची ऊंट की। तब मैं तो बोल के दिखा। कान खोल कर सुनो। कुछ तो ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची ऊंट की, कुछ तो ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची ऊंट की, कुछ तो ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची ऊंट की। बस कर मेरे बाप। तेरी बोली तो एकदम तोप की गोली है। मेरी स्टाइल पे ही तो तेरी भाभी फिदा हुई थी। वो तो मैं भी हूँ। ये आपका, आपके प्रोग्राम की स्क्रिप्ट देख लेते हैं, चलिए। नहीं पापा, मत करो ना। ये क्यों पहना रही हो मुझे? इसमें हमारी फोटो के साथ साथ हमारा प्यार भी छुपा है। सोचा था आज बैंक की सीढ़ियां चढ़ूंगा, तुमने तो टीले पे चढ़ा दिया। सर बैंक के खाते की फिकर है, शरीर के खाते का क्या? इसका भी बैलेंस बनाना चाहिए। पैसा उधार मिल जाएगा सर, गुर्दा फेफड़ा उधार नहीं मिलेगा। लेकिन सेहत के लिए मैं क्या करूं? सर दुनिया की खूबसूरती को निहारो, देखो कितना सुंदर झरना है। ये झरना क्या है? नाम है इसका, हाँ नायगरा फॉल है ये, मालूम है आपको? नायगरा फॉल्स है बस। वेब सीरीज विदेशी, बिना पिला ना विदेशी, एंजेलिना विदेशी, उनको करो सलाम, खुद बन जाओ गुलाम, बॉर्डर पार जाओ ना। ए, ये बॉर्डर कहाँ से आ गया? सर व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, हाँ इस टीले के उस पार अंडर कंस्ट्रक्शन स्विट्जरलैंड दिखता है। इधर से देखिए सर, जब यहाँ से लेकर वहाँ तक बर्फ गिरेगी ना, तो गोले वाले से नहीं खुद ही गोला बनाएंगे, फिर उसमें दो कांडी घुसा के गुलाबी और ऑरेंज कलर डाल के चूसेंगे। वो पर्वत की चोटी से फिसल के जाओगे ना तो सीधा यूरोप पहुँचोगे। अब इस पे चढ़ाओगे? भाग के जाते हैं। बैंक चलो। काम 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 काम, कितना काम करेंगे, खुद के लिए कब जिएंगे? जब तू जान छोड़ेगा तब तभी जिऊंगा। जब तक तेरी जान फंसी है ना बुड्ढे, मेरी बच्ची है। जानू 5G इंटरनेट के जितना तेज है ये, अगर इतना ही तेज भागेगा तो गांव दर्शन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका वायर ब्रेक करते हैं। कैसे? इसे पहले कि ये नौकरी पे करे हमला, तुम लाओ गमला। ले आई। बैंक हिसाब, बैंक ऑडिटी, ये लो हरी। जय सीताराम बापूनी। बेटा आखिर ये तूने क्या किया? हमेशा औलाद का ही दोष हो ये जरूरी नहीं है, बड़ों का प्यार कब अत्याचार बनता है हम बच्चों से पूछो। मतलब तुझे लगता है तेरे बाप ने जानबूझकर पैसे चुराए? और नहीं तो क्या, सब जान के किया। सच चीख के भी बोलो तो कोई मानता नहीं है, और उस बेचारे का सच तो बेजुबान है। गगन ने उसे उल्टी पट्टी पढ़ा के सरपंच के पास भेजा था, वो चाहता तो किसी एक कोने में पड़ा रहता, तेरी कमाई और लोगों के तरस पे जीता वो, पर उसने हुनर को अपनी ताकत बना लिया, जिसके बल पे पैसा कमा के मरने से पहले तेरे लिए ट्रक लेना चाहता था। रिश्ता तोड़ने के बदले गगन ने पैसे देने का वादा किया था, जब उसने हाथ खड़े कर दिए तो उसे मजबूरन चोरी करनी पड़ी। तुझे लगता है अपने सपने के लिए उसने तेरी जिंदगी बर्बाद की, पर उसने तेरे लिए क्या खोया है कुछ पता है तुझे? हेलो, संपत से कहिएगा फिल्म में रोल मिल गया है, हाँ, टिकट कटा के जल्दी से यहाँ आ जाए। हाँ ठीक है, बता दूंगा। डायरेक्टर को तो पसंद आ गया, तेरी मेहनत रंग लाई, अब तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा। बनूंगा ना। सुनिए जी, सुनिए जल्दी आइए ना। बेटा
बच्चे को सांस की बीमारी है और ये लाइलाज बीमारी है। इसमें अटैक आते हैं, सांस उखड़ने लगती है। उस वक्त दवाई नहीं दी तो जान भी जा सकती है, इसीलिए उसे भूल के भी अपने से दूर मत करना। कैसे जिएगा तू? तेरा एक्टिंग का सपना टूट गया तो जिंदगी भर तड़पता रहेगा। मेरा सपना मेरे बच्चे की जिंदगी से बढ़कर नहीं है, उसके लिए अपनी जान भी दे दूं। सिर्फ तेरे लिए पैसा शोहरत सब ठुकरा दिया, घुटता रहा, पर एक्टर है ना, दर्द चेहरे पर नहीं लाया। रेडियो पर जब उसकी बुलंद आवाज गूंजती थी तो पूरी दुनिया उसकी बातों में खो जाती थी। पता उसकी आवाज कैसे गई? बारिश हो रही है, साइड में लगा दीजिए ना। नहीं पापा, रोको मत ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। रोकिए ना, बच्चे का मन है तो भीगने दो ना, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? रोकिए ना। वो मानता है कि बारिश ने उसकी बीवी और आवाज छीन ली, इसलिए उसकी हर बूंद से झगड़ा करता है वो। जिस तरह उसने कुदरत को अपना दुश्मन मान लिया है, तुमने बाप को मान लिया है। पता नहीं वो बेचारा किस हाल में होगा। पर तू एक बात सुन ले, जब भी वो लौटेगा तो उसने जो पैसे चुराए हैं ना, वो सूद समेत तुझे वापस कर देगा। कि मेरे पापा साहब लापता है, प्लीज आठ ढूंढते फोटो रखे थे। पापा यहां आए थे क्या? नहीं आए थे। पापा को देखा? नहीं देखा। नहीं, चाचा किधर गए? अरे चाचा, आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा? क्या ही? आप हट जाइए।
गर्मी हो रही है ना। बेटा, बाप के किए की सजा तू क्यों भुगत रहा है? तू भी अपना घर बसा ले, शहर जाके खुश हो जा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पापा को ढूंढना, ताकि फिर से वो तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करके रख दे। आज जो मेरी सांसें चल रही है ना, उसकी वजह उनकी कुर्बानियां हैं। बात समझने के लिए बोलने का मौका देना चाहिए। पापा तो बेजुबान है, लाख कोशिशों के बाद भी अपनी बात नहीं कह पाए और मैं समझ नहीं पाया। अरे लानत है ऐसे बेटे में जिसने अपने बाप को ही घर से निकाल दिया। बच्चों की बड़ी बड़ी गलती माँ बाप नजरअंदाज कर देते हैं, वही बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो छोटी छोटी बात पे भी माँ बाप से चिढ़ने लग जाते हैं। शांति से उनकी बात सुन लेना तो जिंदगी सवर जाए। कहते हैं कि एक वक्त पे माँ बाप बच्चे बन जाते हैं। पापा अब मेरे बच्चे, मुझे अपना बच्चा ढूंढने दीजिए। क्रिकेटर तो सब बनते हैं, मेरा बच्चा बड़ा होकर बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। उसका निशाना कभी नहीं चूकता, हर चीज बराबर खड्डे में डालता है। बहुत स्मार्ट है मेरा बेटा, बड़ा होकर कोचिंग के लिए विदेश जाएगा। बाप पे गया। अरे बेटा पानी की बोतल क्यों फेंक दी? अच्छा सुनो, बास्केटबॉल के कोच के साथ बोल जब कभी कोच ढूंढ लो, आने तो भाड़ा दे देंगे। अरे बहुत पैसा है। अरे
निशानची है। बस डार्लिंग, मैं तीन चार दिन में आ जाऊंगा। क्या? तीन और दिन? मुझे भी नहीं पता। मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा? मुझे धोखा दे रहे हो क्या? मत बोलो घर में। मुंह बोले बच्चे, कहाँ है तू? मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ। कभी तो अच्छी खबर सुनाया कर, कभी बोलता पैसा गुम गया, कभी बोलता बाप गुम गया, पैसे कब लौटाएगा? कुछ दिन और रुक जाइए। अबे ऑफिसर बजा रहा है। मैनेजर हो ना, थोड़ा मैनेज करो। हेलो, ये धूप में मुंह काला क्यों करा रहे हो? बताता हूँ सर, आजकल नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए साइड बिजनेस का आइडिया दिखाने लाया हूँ। तुम गाइड, ब्रोकर, मैनेजर, क्या क्या हो? सर मेरा नेता बनने का भी प्लान है। सही है। हाँ तो बैंक चलो। बैंक बैंक बैंक, मुंशीगिरी का कीड़ा काटे। लो ये भी बैंक है, हनी बैंक, लूट लो।
हेलो डार्लिंग, मेरा कहीं भी और चक्कर नहीं चल रहा। तुम्हारा ना चल रहा हो, पर मेरा तो जरूर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे धोखा दे रही हो। और रहो घर से बाहर। देखो, मेरी को एक दिन से ज्यादा अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया है। सर, सर, गांव दर्शन जारी कर सकते हैं? सर, कर सकते हैं। गौ यानी गौ माता एक पालतू पशु, कुछ सफेद होती है आपकी बाल की तरह, कुछ भूरी होती है आपकी खाल की तरह। सर, गाय का चारा कुछ नेता भी खाते हैं। ये नीचे से दूध देती है और पीछे से गोबर। दूध से चाय बनती है और गोबर से उपले। पर सर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग सर, गौ हम्बा नाम की अपनी बछड़ी को बुलाती है। हम्बा, हम्बा, फिर से बोलो। हम्बा, 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 हम्बो, हम्बा, 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 हम्बा। सर, सर, आपका पागलपन खत्म हो जावे ना, फिर गांव में मुर्गियां भी है, वो शास्त्रीय संगीत गाती है। शास्त्रीय संगीत? हाँ। सेम। एग्जैक्टली सर, वाह वाह। भतीजे, वो सेठ उसका बदला लेने के लिए गांव में तेरे बाबा को बदनाम कर रहा है। अपुन को शक है तेरे बाबा के खोने के पीछे उसी दरिंदे का हाथ हो सकता है। हाँ, सेठ मेरे पप्पा कहाँ है? हमको क्या मालूम बे। सेठ को अगर भाई ने जवाब दे दिया ना, अब निकल यहाँ से। निकल बे। चल भतीजे, चल आजा। जब तोरे बाप की जबान ना ही चलत तो काहे को हाथ पर चलाता है? ससुरा चढ़ गया होगा फिर किसी पर। फो फो फाफा करते और सामने वाले ने बजा दिया होगा ढोल, कोनू गटर में पड़ा होगा। मेरे पापा पता कर। उनके साथ बोल बोल। रुको का। अरे रोको ही पागल को। भतीजे का पापा बोल के तरह जान दे लूंगा। यही तो अपने बाप पे गया है। अरे गलती हो गया, कुछ नहीं होगा। माफ कर दूंगा, गलती हो गया भैया। पापा जिंदा तो होंगे ना काका? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। सतीश, क्या हुआ? तबीयत बिगड़ गई है, दवा खरीद से करा जल्दी। हाँ, अभी लेके आता हूँ। Oh!
Oh.
पापा इसी कुएं में थे और हम अकल के अंधे गांव में घूम रहे थे। हाँ, बत्तख के बच्चे की तरह खुद फुदक कर इसमें गिर गए क्या? बोला था ना कोई गिर जाएगा। तुझे कैसे पता था? मेरी जबान का लिए भरने का काम दे दो, नहीं तो फिर शराब दे दूंगा। इस साल ड्रामा कंपटीशन में जबरदस्त अदाकारी दिखा के जिस कलाकार ने सबका दिल जीत लिया उसका नाम है हवाई चाचा। हमारे कलेक्टर साहब उन्हें 8,00,000 रुपए के नाम से सम्मानित करेंगे। आपको बधाई। फैफी फाफी फा, शादी और गाड़ी मुबारक हो। थैंक यू। मेरे बच्चे का निशाना देखकर तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, उसे बास्केट में फेंकने को कहो। फेंको बेटा। ओ, निशाना ऊपर लगाना था। पर ये तो हमेशा नीचे फेंकता है। लेकिन बॉल ऊपर के बास्केट में ही डालना होता है। 50 रुपए लेके बास्केट नीचे कर दो ना। सर, गांव के तो 4 धाम आपने कर लिए सर, अभी थोड़ा काम धाम भी कर लेते सर। अकाउंट के सभी रजिस्टर लाओ, इसी वक्त लेकर के आओ। मुंह बोले ने पैसे दिए जानू? हाँ और ही दिए। मुझे सब्जी की थैली में पैसे रखे थे, वो फटी हुई निकली तो वो कहीं गिर गई। तुम फिकर मत करो, मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मिलते हैं ना फोन करती हूँ। क्या है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी जाकर अपना ऑफिस खोलो, मुझे अकाउंट बुक्स चेक करनी है। क्या हुआ, ये मुंह क्या देख रहे हो मेरा? बुक्स तो मैंने अलग ब्रांच में रखी, हर ब्रांच का पहले गांव देखेंगे फिर बैंक देखेंगे।